नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग DELED के कोर्स 501 के 30 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में, वहां भी मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया था, जो कि लेक्चर नंबर 1 था, और ये जो है लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जो भी आपका सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होंगे वो जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल जो है 20 मार्क्स का वो क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। और यहां पे आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस है जो भी आपका डेलेट का स्टडी मटेरियल है, उसी से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी शिक्षक है सभी तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके और सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखें तो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक है, तो इस क्वेश्चंस को सभी तक पहुंचाइए, जितने शिक्षक हैं सभी तक पहुंचाइए, ताकि सभी का यहाँ पे तैयारी जो अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है, अभिभावकों से नियमित संपर्क और उसके बच्चों की प्रगति से अवगत कराना। ऑप्शन बी दिया गया है, बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी दिया गया है, पाठचर्या संपादन के लिए नवाचारी विधियों यथा खेल निर्देशन भ्रमण तथा रचनात्मक विधियों का उपयोग होना चाहिए। और ऑप्शन डी दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे कमेंट जरूर करें, आप कमेंट करके बताएं इसमें जो भी ऑप्शन वो सही लगता है वो आप नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि आपको भी यहाँ पे पता चल सके कि आपने यहाँ पे कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया है, और लास्ट में आप ये भी बताएं कि आपने इसमें जो है टोटल कितना क्वेश्चन सही किया है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन ए बी सी जो दिया गया है तीनों बिल्कुल सही है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, भारतीय संविधान में शिक्षा का प्रावधान है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, केंद्र सूची में। ऑप्शन बी दिया गया है, समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी दिया गया है, राज्य सूची में। ऑप्शन डी दिया गया है, आरक्षित सूची में। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि समवर्ती सूची में, यानी कि भारतीय संविधान में शिक्षा का प्रावधान है समवर्ती सूची में। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, विद्यालय की प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होनी चाहिए, यह प्रावधान है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है राज्य शिक्षा निदेशालय, ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ऑप्शन सी दिया गया है नई शिक्षा नीति 1986, और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, यानी कि विद्यालय की प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होनी चाहिए, यह प्रावधान जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया, खंड संसाधन केंद्र यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है डाइट की गुणवत्ता बढ़ाना तथा एक खंड केंद्र में 100 गांवों का समूह होता है, और ऑप्शन बी दिया गया अध्यापक और विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन देना, ऑप्शन सी दिया गया है विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता सुधार कार्यकलापों को क्रियान्वित करना, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए और बी और सी जो दिया गया है तीनों बिल्कुल सही है BRC को लेके। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, निम्न में से कौन संकुल संसाधन केंद्र की भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र की भूमिका नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है विद्यालय चलाने के लिए नियम तथा कार्यविधि तैयार करना, और ऑप्शन बी दिया गया है विद्यालय निधि प्रबंधन एवं बंटन, ऑप्शन सी दिया गया है पाठचर्या का कार्यान्वयन वो अध्यापक कार्यशाला का आयोजन, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए ये जो है संकुल संसाधन केंद्र की भूमिका नहीं है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, शिक्षा के विकेंद्रीकरण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ भी बोला जा रहा है कि शिक्षा के विकेंद्रीकरण का उदाहरण नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है डायट, ऑप्शन बी दिया गया है BRC, ऑप्शन सी दिया गया है CRC, ऑप्शन डी दिया गया है NCERT। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो इसका इसमें सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि NCERT, यानी कि शिक्षा के विकेंद्रीकरण का उदाहरण जो है NCERT नहीं है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, परिहार पाठशाला का अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है एक प्रकार की रात्रि पाठशाला, ऑप्शन बी दिया गया है अनाथ व गरीब बच्चों की पाठशाला, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षा कर्मियों द्वारा संचालित विद्यालय, ऑप्शन डी दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी एक प्रकार की रात्रि पाठशाला।
और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना यानी कि DPEP विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसे किसके सहयोग से 1995 में आरंभ किया गया था। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है विश्व बैंक, ऑप्शन बी दिया गया यूनिसेफ, ऑप्शन सी दिया गया है UNO, ऑप्शन डी दिया गया है अमेरिका सरकार। तो इसमें आपको बताना है कि DPEP जो है किसके सहयोग से 1995 में आरंभ किया गया था। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि विश्व बैंक की सहायता से। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई। तो इसका शुरुआत कब हुआ था वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है 2001 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1998 में, ऑप्शन सी दिया गया है 2008 में, ऑप्शन डी दिया गया है 2005 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2001 में। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो 2001 में हुई थी। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएँ हैं। तो इसकी क्या विशेषताएँ हैं वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है एक निश्चित समय अवधि में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वकीकरण की प्रक्रिया पूरी करना, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक न्याय को प्रोन्नत करना, ऑप्शन सी दिया गया है राज्यों के लिए प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं का दर्शन विकसित करने का अवसर, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएँ हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी जो दिया गया ये तीनों बिल्कुल सही है सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता के बारे में। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, जीवन के लिए शिक्षा उद्देश्य है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान का, ऑप्शन बी दिया गया है महिला शिक्षा, ऑप्शन सी दिया गया है ग्रामीण शिक्षा, ऑप्शन डी दिया गया है शहरी शिक्षा। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी सर्व शिक्षा अभियान का, यानी कि जीवन के लिए शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सर्व शिक्षा अभियान का है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है, केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत प्रणालियों के बारे में क्या सत्य है। तो इसके बारे में यहाँ पे क्या सही है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है अधिकांश निर्णय मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि विकेंद्रीकृत प्रणाली की स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं। और ऑप्शन बी दिया गया है केंद्रीकृत का कार्य विकेंद्रीकृत के विपरीत होता है, ऑप्शन सी दिया गया है विकेंद्रीकृत प्रणाली शिक्षा के लिए एकमात्र विकल्प है, ऑप्शन डी दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अधिकांश निर्णय मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि विकेंद्रीकृत प्रणाली में स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे सही आंसर है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, फिलहाल सर्व शिक्षा अभियान में आर्थिक खर्चे मुख्य में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत यहाँ खर्चे में है तो वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया 55 और 45, ऑप्शन बी दिया गया 80 और 20, ऑप्शन सी दिया गया 50 और 50, ऑप्शन डी दिया गया 70 और 30। तो यहाँ पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है खर्चे में कितना परसेंट की भागीदारी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 50 और 50, यानी कि दोनों का जो है यहाँ पे बराबर का भागीदारी है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, स्कूल नेट क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है यह स्कूल का एक जाल है, ऑप्शन बी दिया गया है स्कूल के अंदर चलने वाला इंटरनेट है, ऑप्शन सी दिया गया है विद्यालयों को नेट से जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक सूची प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि स्कूल नेट जो है विद्यालयों को नेट से जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक सूची प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देना, ये जो है स्कूल नेट है, ये इसका सही आंसर है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है, विद्यालय मानचित्र की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है परिवार का सर्वे, ऑप्शन बी दिया गया है गांव में शिक्षा समिति का निर्माण, ऑप्शन सी दिया गया है गांव विद्यालय में शिक्षा रजिस्टर तैयार करना, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सही। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी जो दिया गया ये तीनों बिल्कुल सही है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है बच्चे विद्यालय में भूखे ना रहे, ऑप्शन बी दिया गया है पंजीकरण में वृद्धि तथा उपस्थिति प्रतिशत बढ़े, ऑप्शन सी दिया गया है सामाजिकरण में वृद्धि पोषण का ध्यान वो परोक्ष रूप से महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी जो दिया गया ये तीनों बिल्कुल सही है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है, शिक्षा के अधिकार तथा सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में क्या सत्य है। तो इन दोनों के बारे में क्या सत्य है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है 300 जनसंख्या वाले स्थान के 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, ऑप्शन बी दिया गया है
800 लोगों के पास स्थान के 2 किलोमीटर के अंदर एक उच्च विद्यालय होना चाहिए। ऑप्शन सी दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान को अपना लक्ष्य वर्ष 2010 तक पूरा करना था। ऑप्शन डी दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी जो दिया गया है, ये तीनों बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप जो है अपने 10 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सभी जो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और फिर यहाँ पे देखें तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान का केंद्रीकृत क्षेत्र है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है वैकल्पिक स्कूल व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन सी दिया गया है बालिका शिक्षा, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी जो दिया गया, ये तीनों बिल्कुल सही है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापक प्रशिक्षण कार्य किसके पास है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है एनसीईआरटी, ऑप्शन बी दिया गया है डायट, ऑप्शन सी दिया गया है डीईपी, ऑप्शन डी दिया गया है विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि डायट। दोस्तों यहाँ पे इस तरह का जो भी फुल फॉर्म आता है एनसीईआरटी का, डायट का या फिर डीईपी का, इसको आप जरूर अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में इस टाइप का रह सकता है, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा इन सब का फुल फॉर्म जो है क्या होता है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया शैक्षिक आयोजन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना तथा शोध करना, और ऑप्शन बी दिया गया यह शोध विधियों पर कार्यशालाएं आयोजित करती है, ऑप्शन सी दिया गया प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में संशोधन करना, ऑप्शन डी दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि शैक्षिक आयोजन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना तथा शोध करना, ये इसका सही आंसर है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है नैतिक सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है तत्कालिक उपायों द्वारा हिंदी को समृद्ध करके, और ऑप्शन सी दिया गया है समाज के सभी तबके के लोगों को शिक्षित करके, ऑप्शन डी दिया गया है विज्ञान को शिक्षा एवं संस्कृति का बुनियादी घटक बनाकर। इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि समाज के सभी तबके के लोगों को शिक्षित करके। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है, निम्न में से कौन यशपाल कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव अवधारणा आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में से एक नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया विज्ञान में प्रयोगीकरण का प्रावधान होना चाहिए, और ऑप्शन बी दिया गया इतिहास का पाठ्यक्रम स्वतंत्रता संघर्ष पर केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन सी दिया गया नागरिक शास्त्र की विषय सामग्री हमारी प्राचीन संस्कृति पर होनी चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया भूगोल को आधुनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नागरिक शास्त्र की विषय सामग्री हमारे प्राचीन संस्कृति पर होनी चाहिए। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा डायट की भूमिका है। तो यहाँ पे डायट की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त आवास और उपकरण प्रदान करना, और ऑप्शन बी दिया गया है जैसे भी हो बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी दिया गया है विद्यालयों के कामकाज के लिए और प्रक्रिया तैयार करना, और ऑप्शन डी दिया गया है जिले में हो रहे क्रियाकलाप शोध क्रियाकलाप को मॉनिटर करना। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जिले में हो रहे क्रियाकलाप शोध और क्रियाकलाप को मॉनिटर करना, ये यहाँ पे डायट की भूमिका है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया गया है, निम्न में से कौन संस्था शैक्षिक प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है बीआरसी, और ऑप्शन बी दिया गया है सीमेट, ऑप्शन सी दिया गया है एसईआरटी, ऑप्शन डी दिया गया है डायट। तो इसका सही जो आंसर है वो है सीमेट। जैसा कि दोस्तों मैंने इसके पहले आपको बोला कि जितने भी यहाँ पे इस टाइप के जो दिए गए हैं बीआरसी, सीमेट या फिर एसईआरटी या फिर डायट या फिर एनसीईआरटी का, तो इन सबों का फुल फॉर्म आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आपसे जो है ये सारे क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है, सूक्ष्म नियोजन का लक्ष्य है। तो इसका क्या लक्ष्य है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है एससीईआरटी से सहयोग प्राप्त करना, ऑप्शन बी दिया गया है जिला में शिक्षा प्रणाली की निगरानी, ऑप्शन सी दिया गया है नामांकन में सामुदायिक बाधाओं की पहचान करना, ऑप्शन डी दिया गया है व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति में योगदान। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नामांकन में सामुदायिक बाधाओं की पहचान करना, ये इसका सही आंसर है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया गया है, निम्न में से कौन मल्टीमीडिया पैकेज में शामिल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है स्वयं सीखना सामग्री, ऑप्शन बी दिया गया है सर्व दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी दिया गया है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी दिया गया आमने सामने शिक्षण। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि आमने सामने शिक्षण।
तो ये जो है मल्टीमीडिया पैकेज में शामिल नहीं है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान के आवश्यक विशेषताओं की पहचान करें। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए जो दिया गया है सरकार के लोकप्रिय होने का अवसर है, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है, ऑप्शन सी दिया गया है इस कार्यक्रम का प्रयोजक केवल राज्य सरकारें होती है, ऑप्शन डी दिया गया है इसका लक्ष्य नैतिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण है। तो इसमें जो भी आपको सही आंसर लग रहा है वो आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। तो ये जो है सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यक विशेषताएं हैं। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया है, किस दायित्व का निष्पादन जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है स्कूल के लिए आवश्यक रिकॉर्ड को देखना, और ऑप्शन बी दिया गया है स्कूल के ऑनलाइन को परियोजनाओं के लिए अलग अलग संसाधन केंद्र के साथ सहयोग करना, और ऑप्शन सी दिया गया प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी दिया गया नियमित रूप से परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करना। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ये इसका यहाँ पे सही आंसर है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया गया है, यूईई के अंतर्गत कोर योजना टीम का गठन क्यों किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है योजना को वैधता प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी दिया गया है यह सरकारी कर्मचारियों को अधिकाधिक शक्ति प्रदान करता है, और ऑप्शन सी दिया गया है यह योजना के खर्चों को कम करता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि योजना को वैधता प्रदान करने हेतु। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डीएलएड किसके अंतर्गत परिवर्तन के लिए चलाया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है एनसीएफ 2005, ऑप्शन बी दिया गया है आरटीआई 2009, ऑप्शन सी दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि आरटीआई 2009 के तहत जो है डीएलएड का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो ये था आज का 10 जो है एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, और दोस्तों आगे इसी तरह से हम लोग यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली करेंगे। अभी ये 501 का जो है लेक्चर नंबर 2 था, आगे लेक्चर नंबर 3, 4, 5 इस तरह से करते रहेंगे, और फिर 502 का जितना लेक्चर है उसको भी करेंगे, और फिर आगे 503 का भी जितना लेक्चर है उसको भी यहाँ पे करेंगे। और दोस्तों अगर आपने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है जहाँ कि मैंने 501 के लेक्चर नंबर 1 में जो है 30 क्वेश्चंस कराए थे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो साथ बने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो जो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये क्वेश्चन पहुंच सके और सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।